और हुण भी मौसम की खराबी करके बड़ियां वड्डियां दिक्कतां जिहड़ियां उह सारे पंजाब दे विच किसानां नूं फेस करनियां पै रहियां। लिफ्टिंग नहीं हो सकी माल दी ते मंडियां दे विच पहुंची जिंस जिहड़ी आ उह भी खराब हो रही आ। जे आड़तियां दा कमिशन घट कर दिता सरकार तां नहीं बोलदी, जे मजदूरां दी जिहड़ी कमिशन घट कर दिता सरकार तां नहीं बोलदी कि नहर नहीं बननी चाहीदी। उस पासे मुख्यमंत्री साहब का हाले ध्यान जिहड़ा उह नहीं गया। उहदे च लिख दिता है कि जिहड़े इरीगेशन दे अफसर ने इन्हां नूं एस वी एल बारे जानकारी नहीं है। वैसे ते है थोड़ी जी कड़वी लेकिन है सच्चाई है, जानकारी तो मुख्यमंत्री साहब नूं भी नहीं है। ये पोर्टल खोलण दा मकसद जिहड़ा कि ये सारा काम जिहड़ा सर्वे का ये हुण ऑनलाइन ही किया जाएगा। और पिछे हड़ां दे नाल जिन्ना वड्डा नुकसान किसानी का होया उहदे विच मुआवजा भी जिहड़ा सरकार वल्लों किसानां नूं जिन्ना नुकसान होया सी उहदे मुताबक देण दा कोई उपराला नहीं किया गया। और हुण भी मौसम की खराबी करके बड़ियां वड्डियां दिक्कतां जिहड़ियां उह सारे पंजाब दे विच किसानां नूं फेस करनियां पै रहियां। एक तो इस वेले सारियां मंडियां दे विच झोना पिया, बरसात भी चल रही है और जिहड़ी पक्की हुई फसल है वह व्यवस्था पूरी ना हो सकन करके क्योंकि लिफ्टिंग नहीं हो सकी माल दी ते मंडियां दे विच पहुंची जिंस जिहड़ी आ उह भी खराब हो रही है। बहुत दुखदाई गल क्योंकि कोई मंडी पंजाब दी इस वेले तुसी देख लो ते सारियां दे विच एडी वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ा झोना लिफ्टिंग करके पिया कि अज अखबारां दे विच भी वड्डियां सुर्खियां लगियां कि 60% तों ज़्यादा जिहड़ा झोना उहदी लिफ्टिंग जिहड़ी आ पंजाब दे विच मंडियां दे विच नहीं हो सकी। कई जगह ते 80% तक भी झोना पिया, लिफ्टिंग जिहड़ी आ नहीं हुई। और उहदा जिहड़ा कारण है कि 2700 शैल्डर मालकां दे विचों 1100 शैल्डर मालक जिहड़े आ उहनां नूं जिहड़ा क्वालिटी कंट्रोल करके 45 ड्राइस करके सफर करना पै रहा उहदे करके शैल्डर वालियां दी जिहड़ी आ पंजाब दे विच हड़ताल चल रही है। क्योंकि केंद्र सरकार दीआं हदायतां ने कि जिहड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते जिहड़ा चावल जाणा है उहदे विच एक क्विंटल पिछे एक किलो उहनां नूं 45 जिहड़ा राइस है उह विच मिक्स करना पैंदा। और ये जिहड़ा 45 राइस है ये जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीआं अपरूवड मिलां ने उहनां दे उत्तों ही लै के खरीद के उह मिक्स करदे आ। उहनां दा काम सिर्फ मिक्स करना तां गवर्नमेंट इहनूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते जिहड़ा एक्सैप्ट करदी है क्योंकि उहदे च आयरन मिनरल विटामिनस ये मिक्स किन्ने होंदे आ एक किलो वह ऐड करके ते फिर शैल्डर मालक अगे अपना माल भेजदा। हुण जिहड़ियां गवर्नमेंट ने मिलां कहीआं उहनां तों ही खरीदिआ, उहनां दा फाल्ट भी कोई नहीं है। पर जिहड़ी चैकिंग हो रही है दिल्ली दे विच एफ सी वल्लों उहनां ने 1100 शैल्डरां दा माल जिहड़ा उह लैण तों मना कर दित्ता क्योंकि इहदी शैल्फ लाइफ जिहड़ी है 3 महीने हुंदी है। इस करके सारे शैल्डर मालक जिहड़े आ उह हड़ताल ते आ पर सरकार साडी सुती होई है। और अगों मौसम खराब होण करके जिहड़ा नवां झोना आ रहा उहनूं किते भी मंडी दे विच जिहड़ी है सुट्टण वास्ते जगह ही नहीं हैगी वी कित्थे रखिआ जाऊ। इस करके मैं सरकार नूं मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि केंद्र सरकार दे नाल इमीजिएटली टेकअप करके ते उहनां दी आवाज़ उठाउणी चाहीदी है क्योंकि शैल्डर इंडस्ट्री भी पंजाब दी है और उहनां दा इस गल दे विच कसूर भी कोई नहीं है। पर इहदी सज़ा अल्टीमेटली जिहड़ी है उह किसानां नूं जिहड़ी आ उह मिल रही है क्योंकि पिछे भी सरकार की आदत बन गई है कि जे आड़तियां दा कमिशन घट कर दिता सरकार तां नहीं बोलदी, जे मजदूरां दी जिहड़ी कमिशन घट कर दिता सरकार तां नहीं बोलदी। ते हुण वी शैल्डर मालक अपने लैवल दे उत्ते विचारे कोशिशां कर रहे आ, हड़ताल भी उहनां ने कीती है। पर सरकार दा जिहड़ा फर्ज बनदा सरकार नूं अपना फर्ज जिहड़ा उह निभाउणा चाहीदा।
इमीजिएटली इन्हां नूं उत्थे जाके ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे नाल इह मसला हल करा के ते लिफ्टिंग जिहड़ी आ करवाउणी चाहीदी है। दूजा जिहड़ी हुण बारिश हुई है इहदे करके आउण वाले समें दे विच मॉइस्चर दी प्रॉब्लम भी कुदरती आएगी क्योंकि थोड़ी जी ठंड हो गई है। वह भी मैं गवर्नमेंट नूं कहना चाहुंदा कि नाल दी नाल जिहड़ी है एफसीएच दे नाल टेकअप कर लिया जाए क्योंकि रिलैक्सेशन दी मॉइस्चर दी कुदरती गल लोड़ पएगी ते उदों जाण दा कोई फायदा नहीं हुंदा, बहुत लेट हो जाता। वह भी टाइम सिर मूव करना चाहिए कि सारे पंजाब दे विच कुछ दिन पहला भी बारिश हुई है, अज भी सारे पंजाब दे विच बारिश हुई है ते इहदे नाल टैंपरेचर डाउन आउन करके नाल मॉइस्चर भी इहदे नाल वधेगा, आउण वाले समें दे विच किसान नूं दिक्कत ना आवे। ये भी चीज़ जिहड़ी है नाल दी नाल सरकार नूं टेकअप करनी चाहीदी। दूजी गल है जिहड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस वेले पंजाब दे विच चल रहा वह एस वाई एल नहर नूं जिहड़े बनाउण दा सर्वे करन दे जिहड़े हुक्म है वह जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे कीते है, असीं महसूस करदे हां कि हाले मुख्यमंत्री साहब लिखती आर्डर मिलन तों बाद भी जो उन्हां दी जिम्मेवारी बनदी है उस पासे कि नहर नहीं बननी चाहीदी, उस पासे मुख्यमंत्री साहब दा हाले ध्यान जिहड़ा वह नहीं गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी दे विच दुबारा केस नूं नियत करन वास्ते हदायत दित्ती हुई है रजिस्ट्री जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दी उहनूं, ते कुदरती गल है जनवरी च केस लग जाणा, अक्तूबर हुण निकल चलिया, नवंबर ते दसंबर विच रह गया और सर्वे दे आदेश जिहड़े आ सुप्रीम कोर्ट ने कीते होए, पर साडी जिहड़ी पंजाब दे लोकां दी डिमांड है कि सर्वे नूं रोकणा किद्दां, कि सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि होर पंजाब दे नाल धक्का पंजाब दी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। साडा श्रोमणी अकाली दल दा भी यह स्पष्ट स्टैंड है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, पर मुख्यमंत्री साहब दा जिहड़ा पहला भी रिकॉर्ड च आया कि उन्हां दी सरकार वालों 12 अक्तूबर नूं जिहड़ा पोर्टल नवां खोलिया गया, ये आलरेडी पहलां इहदे ते खबरां लगियां, इहदे बारे कोई संतुष्टिजनक जवाब जिहड़ा मुख्यमंत्री साहब वह हाले पंजाब दी जनता नूं नहीं दे सके क्योंकि झूठ नाल काम नहीं चलना। जिहड़ा झूठ मुख्यमंत्री साहब ने बोलिया, जिहड़ा प्रेस रिलीज पंजाब सरकार दा जारी होया उहदे च इह लिख दिता है कि जिहड़े इरीगेशन दे अफसर ने इन्हां नूं एस वाई एल बारे जानकारी नहीं है। वैसे ते है थोड़ी जी कड़वी लेकिन है सच्चाई है, जानकारी तो मुख्यमंत्री साहब नूं भी नहीं है क्योंकि जे मुख्यमंत्री साहब नूं हुंदी ते जो बयान वह दे के आए जां जो केस पंजाब दा सुप्रीम कोर्ट दे विच जिस तरीके पेश कीता गया जे जानकारी सरकार नूं हुंदी ते उत्थे इह ना कहा जांदा कि असीं नहर बनाउण नूं तैयार हाँ, आपोजिशन जिहड़ी है सानूं नहर जिहड़ी है उह नहीं बनाउण दिंदी, इस करके जानकारी तां तुहानूं भी नहीं है। पर मैनूं इह बड़ी हैरानी होई कि केस तां सुप्रीम कोर्ट च हार गए ते इह हुण किस लैवल दी ट्रेनिंग जिहड़ी है तुसीं अफसरां नूं देण लगे हो एस वाई एल दी हिस्ट्री दे बारे च दूजे बारे च, ये तो जिहड़े बच्चों ने कोई आई एस की कोई दूजी तैयारी करनी होएगी वह हिस्ट्री पढ़ लेंगे एस वाई एल नहर की की है सारिया चीज़ा पढ़ लेंगे, तुसीं लोकां नूं जिहड़ी तुहाडी चोरी फड़ी गई है उहदे ते संतुष्टिजनक उत्तर देण की बजाए तुसीं इह कह के टालन की कोशिश की कि यह अफसरां नूं पढ़ाउण वास्ते खोलिया गया, पर जिहड़ियां हदायतां तुहाडे प्रमुख सकत्तर साहब ने थले दित्तियां ने वह मुख्यमंत्री साहब ने फिर भी पढ़िया लगदियां कि अधिकारी कर्मचारी इन्हां मॉड्यूलां लई ऑनलाइन अपलाई करनगे अते ऑनलाइन ही ई पोर्टल ते लोड़ींदी अगलेरी कार्रवाई की जाएगी। ये पोर्टल खोलण का मकसद जिहड़ा कि यह सारा काम जिहड़ा सर्वे का यह हुण ऑनलाइन ही किया जाएगा ते उपरोक्त दर्शाए मॉड्यूल अनुसार कोई फाइल मैनुअली फिजिकली तजवीज आउंदी है तो प्रवान नहीं की जाएगी क्योंकि जदों फाइलां बन के आउंदियां कई बार कोई गल थोड़ी बहुती निकल जाती है, असी ऑनलाइन सिस्टम के खिलाफ नहीं हाँ, एफिशंसी इंप्रूव वास्ते दुनिया भर के ऑनलाइन सिस्टम चलते हैं उसके असी खिलाफ नहीं हाँ, पर तुहाडी मंशा एस वाई एल के बारे च नवा पोर्टल खोलन की सर्वे नूं कंप्लीट करके ते उहनूं केंद्र सरकार तक पहुंचाउण दी,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 32ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਈ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੱਜਿਆ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ,